प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। यूक्रेन रूस युद्ध का 46वां दिन आज, ऑस्ट्रेलिया के चांसलर पुतिन से आज करेंगे मुलाकात, युद्ध विराम पर होगी कोशिश। उत्तर भारत में भीषण गर्मी और लू का कहर, दिल्ली में अलर्ट जारी। गुजरात के भरूच में बड़ा हादसा, केमिकल फैक्ट्री में विस्फोट से 6 श्रमिकों की मौत। गाजियाबाद के 2 स्कूलों में कोरोना वायरस के 5 मामले आए सामने, अब चलेगी ऑनलाइन क्लास। गोरखपुर मंदिर हमला मामले में यूपी एटीएस ने मुर्तजा अब्बासी को कोर्ट में किया पेश। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है, मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं खबरों की। महंगाई के खिलाफ कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इसी कड़ी में महिला कांग्रेस अध्यक्ष नेता डिसूजा ने महंगाई को लेकर फ्लाइट में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी से सवाल पूछने लगी। दरअसल वाकया दिल्ली गुवाहाटी फ्लाइट में सफर के दौरान का है जब फ्लाइट में नेता डिसूजा का केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी से सामना हुआ, तो उन्होंने रसोई गैस की महंगाई को लेकर सवाल पूछ लिया और इस वीडियो क्लिप का डिसूजा ने अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर कर दिया। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में क्या बातचीत हुई। For you, Smriti ji, the rates of gas and petrol. See, to, no, in 2000, no. No, no, but everybody is going through this problem because of the rates of. Come through, ma'am. Okay, come. Happy Bihu without stoves, without gas, with increased weight. Please don't lie. Oh, we are lying. Gas is no, you are 1,000. Madam, you are misappropriating. No, it is. No problem. You have to let everybody know. Yes. Let everybody know. Yes. Why is the rate? Why is the rates of gas? 20 crore people are getting food free for 25. No. So does that mean? Yes, ma'am. Delivered by state. Does that mean that like the rates of gas? It would be lovely if I am not accosted. No one is being accosted. Without my permission. Oh my God! When you are in a position, you are a minister. Everybody. I'm answering, ma'am. Everybody. 1.83 million vaccine doses, ma'am, have been. It's all. आईपीएल 15 में राजस्थान का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट से हो रहा है। इस मैच में लखनऊ को हार का सामना करना पड़ा है। राजस्थान ने इस मैच में 3 रन से जीत लिया और ये राजस्थान की चौथी जीत है। 166 रन के स्कोर का पीछा करते हुए लखनऊ की शुरुआत बहुत खराब रही। वहीं टीम के सलामी बल्लेबाज राहुल बिना खाता खोले ही आउट हो गए। उनके बाद आए ओल्डर भी कुछ खास नहीं कर पाए और 8 रन पर ही आउट हो गए। 3 विकेट गिरने के बाद दीपक हुड्डा और डिकॉक ने टीम को संभाला। कुछ दिनों पहले सीएम योगी ने अफसरों को दिए निर्देश में झुग्गी झोपड़ी पर बुलडोजर नहीं चलाने की बात कही थी, जिसके चलते कानपुर के रामगोपाल के पास बनी कच्ची बस्ती के लोगों में खुशी की लहर है। गरीबों के प्रति संवेदनशीलता योगी सरकार का पिछले 5 साल मूल्यांकन रहा है। योगी सरकार ने गरीब कल्याण योजनाओं को तेजी से लागू करने का काम शुरू कर दिया है। कानपुर में जो झुग्गी झोपड़ियाँ बनी हुई हैं, उसका सूबे के जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, उन्होंने यहाँ के जो कच्ची बस्तियाँ बनी हुई हैं उनको, जो रहने वाले वहाँ के लोग हैं उनको, अभी तक तो मुफ्त राशन मिल रहा था, उसकी सुविधा ही मिल रही थी, पर रहने का कोई ठिकाना नहीं था। इनको आए दिन बना रहता था डर कि कब क्या ना हो जाए, कहाँ बुलडोजर चल जाए, कहाँ बुलडोजर ना चले। अब देखना, ये अब तो इन लोग के लिए और अच्छा मौका मिल गया है कि किसी भी तरीके से सरकार ने कह दिया है कि नहीं गिराई जाएगी बस्ती। आइए बस्ती में कुछ लोगों से बात करते हैं, क्या है पूरी बात। क्या नाम है आपका? हाँ जी, सोनी वर्मा जी। जो आप योगी आदित्यनाथ ने जो इतना बड़ा सुनहरा मौका आप लोगों को दिया है,
सरकार क्या कहना चाहेंगे? उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहेंगे हम, और बहुत खुशी हुई मुझे इस बात सुन के कि ये झोपड़ी नहीं गिराई जाएंगी, मुझे बहुत खुशी हुई इस बात के लिए। राशन भी मिल रहा है, बहुत अच्छी सुविधा दी गई हुई है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत गरीबों का बहुत सारा मिला, ये सबसे ज्यादा बढ़ के खुशी हुई जो ये झोपड़ी नहीं गिराई जाएंगी। अच्छा। हाँ जी, क्या नाम है आपका? रनु जी, आप यहाँ रह रही हैं, कैसे रह रही हैं, किस तरीके से रह रही हैं, कैसा निवास था, किस तरह का डर आपको बना रहता था? हमें बहुत डर बना रहता था, कच्चा मकान है, उल्टे सीधे समय काट रहे थे और डर लगा रहता था कब गिर जाए कब गिर जाए। अब तो सरकार ने आपके लिए सुविधा दे दी। हाँ हाँ हाँ, भगवान उसको खूब धन्यवाद दे, खूब बढ़ोतरी दी। आइए आपको और लोगों से बातचीत कराते हैं जो कि यहाँ के निवासी हैं। क्या नाम है आपका? महेंद्र सिंह। महेंद्र जी, ये बताइए कि जो सूबे के मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने जो झुग्गी झोपड़ी ना गिराने का एक बहुत अच्छा आश्वासन दिया है, इससे आप कितना खुश हैं या ना खुश हैं? इसके लिए हम बहुत खुश हैं, और जो फ्री राशन दे रहे हैं ये, इसके लिए हम लोग बहुत खुश हैं और हम लोग निश्चिंत रह के रहेंगे यहाँ पे। इन्होंने जो आदेश दिया है कि जो झोपड़ी गिरेंगे नहीं, अब हम लोग बहुत खुश हैं और फ्री राशन भी दे रहे हैं, हम लोग यहाँ निश्चिंत है, हम लोग कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए आपको बताते हैं जो यहाँ कच्ची बस्ती के लोग हैं, इनके जो अंदर डर था वो डर हो गया खत्म। कैमरा पर्सन करण शर्मा के साथ उपेंद्र अस्थाना, कानपुर। जहां देश और प्रदेश की भाजपा सरकारें बेटियों को बचाने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी योजनाओं से बेटियों को बचाने की मुहिम में लगी है, तो वहीं कुछ आश्रित लोग अभी भी बेटियों को बोझ मान रहे हैं। तो अशिक्षित लोग अभी भी बेटियों को बोझ मान रहे हैं। एक ताजा मामला सामने आया है जहां हमीरपुर जिले में एक गर्भवती महिला को ससुराली जनों ने महज इसलिए घर से निकाल दिया क्योंकि वो 3 लड़कियों को जन्म दे चुकी है और इस बार भी उन्हें लड़की होने का डर था, जिसके बाद परेशान महिला ने अपनी एक दुधमुही बच्ची को सड़क पर फेंक दिया, जिसे देखकर स्थानीय लोगों ने पूरे मामले की जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने महिला को उसकी माँ को सुपुर्द किया और उसके मायके पहुंचा दिया और मामले की जांच शुरू कर दी। ससुराल वाले आपको क्यों नहीं रखते हैं, क्यों भगा रहे हैं? बेटी कहीं बेटियां 3 थे, लड़की लड़के हैं। तो क्या कहने लगते हैं? तेरे लड़का नहीं है, लड़का नहीं चाहने हमें, इसे भगा दें। फिर आप मायके में आती हैं तो फिर उसे मायके की भगा दी। तो क्या चाहती हैं आप? अब हम कहां रहे हैं? खबर मथुरा से है जहां के वृंदावन कोतवाली इलाके में बांके बिहारी मंदिर के निकट अटखंबा बाजार में पोशाक की दुकान में भीषण आग लगने से लाखों का सामान जलकर स्वाहा हो गया। आग से चारों ओर हड़कंप मच गया। आग की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड भी मौके पर पहुंच गई। फायर ब्रिगेड ने बड़ी मुश्किल से आग पर काबू पाया, मगर आग के कारणों का पता नहीं चल पाया है। खबर संभल से है जहां आईपीएल पर सट्टेबाजी कर एक बार फिर खुलासा हुआ है। पुलिस ने घर में सट्टेबाजी करते 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मुख्य आरोपी इस दौरान फरार होने में कामयाब रहा। मौके से 17,000 कैश, 23 मोबाइल, एक कैलकुलेटर, सट्टे का रजिस्टर और पर्ची भी बरामद की गई है। मामले पर एसपी ने पुलिस के गुड वर्क का खुलासा करते हुए बताया कि सोसाइटी के खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई की जाएगी। थाना नखासा के अंतर्गत आईपीएल पर सट्टा लगाने वाले एक गिरोह को गिरफ्तार किया गया है। इसके 5 सदस्य शहाबेद, जहांगीर, हिलाल, फरार और जफर हैं। ये सभी दीपासराय थाना नखासा के रहने वाले हैं। इनके पास से कुल 23 मोबाइल, कुछ कैलकुलेटर और लैपटॉप और साथ में 17,000 रुपए नकद बरामद किया गया है। इन्हों के द्वारा पूछताछ में बताया गया कि ये ऑनलाइन पेटीएम और अन्य एप्स की मदद से सट्टा लगाते थे और इसका कारोबार चलाते थे। इनके पूरे मॉडस ऑपरेंडी का अध्ययन किया जा रहा है। इनको गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय भेजा जा रहा है। आगे इनके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।